नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप अपने कॉर्डिसेप्स को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे वार्म अप करें और कैसे उसका मसल्स गेनिंग एक्सरसाइज अपने घर पर करें, उसी तरह से आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि आप अपने इनर थाई को और आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को कैसे बल्कि बनाएं अपने घर पर ही। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप अपने घर पर रहें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर रह करके आप अपने मसल्स को कैसे बल्कि बनाएं और कैसे स्ट्रांग बनाएं। तो आज का है ये वीडियो हैमस्ट्रिंग, इनर थाई और थाई एडक्टर के ऊपर। तो गाइज बने रहिए, मैं अपने इस वीडियो में आज आप लोग को करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने घर पर अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को, इनर थाई मसल्स को कैसे बल्कि बना सकते हैं। ओके गाइज, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गाइज ऐसे वेरिएशन और एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं अपने हैमस्ट्रिंग और इनर थाई के लिए, लेकिन जो हम लोग घर पर अप्लाई करेंगे वो मात्र एक एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का नाम है सुमो स्क्वाट। जैसा कि नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग कि ये जो सुमो स्क्वाट है, जापान के जो पहलवान है वो जो खड़े होते हैं अपने रिंग के अंदर में और जिस स्टांस में वो खड़े होते हैं वो परफेक्ट और बैलेंसिंग स्टांस होता है उनके लिए। उसी स्टांस को कन्वर्ट किया गया सुमो स्क्वाट में। तो वो जो स्क्वाट है, अगर उस स्क्वाट को अगर आप करते हैं तो आपका इनर थाई मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स और थाई एडक्टर, ये दोनों तीनों मसल्स एक्टिवेट भी होते हैं और साथ में वो मजबूत भी होते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, कैसे करना है, कितना वेट इंक्रीज करना है और किस तरह से करना है, ये मैं आपको अपने वीडियो में अब करके दिखाने जा रहा हूँ। जैसे सुमो स्क्वाट करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा मसल्स को वार्म कर लें। मसल्स को वार्म करने के लिए बेसिकली डायनामिक रेपिटेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके मसल्स में तेज होता है और मसल्स ओपन हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। तो गाइज उसको कैसे करना है ये मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हो गया, ये देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने एक पैर को यहाँ रखा है ऐसे, दूसरे पैर को रखा है यहाँ ऐसे, ये आप देख सकते हैं ऐसे। अब आपका जो टो है, टो आपके घुटने की तरफ ही जाएगा, जिधर आपका घुटना है उधर ही टो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आउटसाइड में अपने टो को रखेंगे इस तरह से, और उसके फिर नीचे बैठ जाएंगे। ये जो सेट है ये वार्म अप सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप 30-30 के दो सेट करने के बाद आप सुमो स्क्वाट के फाइनल में आ सकते हैं। तो फाइनल करना कैसे है, सबसे पहले जो अपना टेक्निक है, एक ही टेक्निक यूज होगा, और वो टेक्निक ये है कि अगर आप सुमो स्क्वाट कर रहे हैं गेनिंग के लिए तो आपको वेट उतना ही लेना है जिसमें कि आप 16 रेपिटेशन निकाल पाए। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 16 से ज़्यादा निकाल सकते हैं तो आप वेट को इंक्रीज कर लें। इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है, आपके पास में बारबेल रॉड है, आप बारबेल रॉड में आप अपना वेट लगा लें। वेट लगाने के बाद इसको आप ऐसे इस तरह से ग्रिप करके आप इसको कंधे पे रख लें, ऐसे कंधे पे रख करके आप हाथ से ऐसे ग्रिप कर लें, और ग्रिप करने के बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे सुमो स्क्वाट। गाइस जैसे आपने इसको उठा लिया, उठाने के बाद आपको क्या करना है, सेम उसी स्टांस को लेना है इस तरह से, ये इस स्टांस को इस तरह से लेने के बाद आपको अपने बॉडी को सीधा रखना है, अपने चिन को सामने रखना है और नीचे जाना है 100% जहां तक आप जा सकते हैं, और ऊपर आना है 90%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो गाइज आप लोग को बताया कि आप बारबेल रॉड के साथ में कैसे करें सुमो स्क्वाट। इन केस आपके पास में बारबेल रॉड नहीं है घर पर, आपके पास में डंबल पड़ा हुआ है नया पुराना या कुछ भी, डंबल नहीं कोई ऐसा वेट पड़ा हुआ है जिसको आप हाथ में पकड़ पाए, तो उसको कैसे करें अब मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि गाइज मेरे पास में ये एक डंबल पड़ा हुआ है, तो मैं इस डंबल को इस तरह से ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मैं यहाँ पर आ गया फिर से, और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ रख लिया, मेरे एल्बो दोनों इनसाइड में रहेंगे, और मैं अपने सुमो स्क्वाट में इस तरह से आया और फिर से मैं इसको किया 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये मैं आप लोग को दो तरीके से बताया सुमो स्क्वाट कैसे करें अपने घर पर, पहला तो बारबेल रॉड से और दूसरा जो मैंने आपको बताया ये बताया डंबल से। इन दोनों को इसलिए अलग अलग बताया कि कितने के पास में बारबेल रॉड नहीं होता, घर में इतना स्पेस नहीं होता कि इतने सारे सामान घर में ला करके भर पाए, तो उनके पास में डंबल नॉर्मली घरों के अंदर में मिल जाता है, तो आप डंबल से भी सुमो स्क्वाट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बल्क के लिए हम जो टेक्निक लेते हैं वो सेम टेक्निक है कि आपका रेपिटेशन अगर 16 से ज्यादा निकलता है तो आप क्या करें, आप वेट इंक्रीज कर दें 5-10%, आप वेट इंक्रीज करें और उसके बाद रेपिटेशन को आप हाइपरट्रॉफी करेंगे, आप धीरे धीरे करेंगे, एक रेपिटेशन को करने में आप मिनिमम टू मिनिमम 5 सेकेंड लगाएंगे, मैक्सिमम 8 सेकेंड तक आप जा सकते हैं लेकिन 5 सेकेंड इज गुड। तो आप 5 सेकेंड में एक रेपिटेशन करेंगे, जैसे ही आपको लगेगा कि हम इससे 16 से ज्यादा निकाल सकते हैं तो आप अपने वेट को इंक्रीज कर देंगे उस टाइम में। ठीक है गाइज, तो आज हमारा यहाँ पर लेग्स एक्सरसाइज जो घर में करें गेनिंग के लिए ये समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। ठीक है गाइज, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें लोगों को अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट्स करें अगर फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास में है तो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।